कितने लोगों का हो गया? आंसर इसका कितना है? डी। अब कितने लोगों का हो गया? अल्फा, ये कोई ट्रॉली जा रही है एंड इसके ऊपर कुछ ऐसे कोई मास है इस तरीके से, मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा थीटा, और ये सिस्टम इधर जा रहा है विद एन एक्सलेशन ऑफ ए नॉट, तो इसको सूडो फोर्स कितनी लगेगी? एम इंटू ए नॉट। अगर सिस्टम एक्सलेट कर रहा है विद ए नॉट तो पीछे की तरफ सूडो फोर्स इज एम ए नॉट, पहली चीज। दूसरा, वेट कहाँ ऐड करेगा इसका? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अरे डिस्कशन नहीं हो रहा, आराम से। तो वेट इसका वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और वेट के साथ इसमें एक, क्योंकि एंगल थीटा है, एंगल थीटा है, तो इस केस में निकालना क्या, पहले ये भी देखो, इसमें निकालना है द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग व्हेन द ट्रॉली रोल्स अप द प्लेन ऑफ द इंक्लिनेशन अल्फा। तो आपको थीटा निकालना है इसमें, यानी कि कहीं ना कहीं ये एक इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेगा राइट साइड पे जाके, इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, रुक जाएगा ना एम ए थीटा। मैंने अच्छा, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, इसके परपेंडिकुलर ले लेते हैं, तो ये आपको एंगल कितना गिवन है? थीटा। अब ठीक है, ठीक है, तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये पेंडुलम थोड़ा सा टेढ़ा हो गया और मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा। सही कह रहे हो, क्योंकि अगर मैं इसके साथ परपेंडिकुलर ले लेता ना तो मेरा ये एंगल भी थीटा आ जाता और फिर मैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से मेरा आंसर गलत आना स्टार्ट हो जाता। ठीक है रे, अब इस केस में एम जी जो वेट है वो नीचे एक्ट कर रहे, सूडो फोर्स एक्ट कर रही है, एक वेट का कॉम्पोनेंट भी एक्ट करेगा। तो वेट का कॉम्पोनेंट कैसे बनेगा ये एक बार ड्रॉ करो, और वेट का कॉम्पोनेंट ड्रॉ करके इस क्वेश्चन में दो इक्वेशंस बनेंगी, एक वर्टिकल में, इसके वर्टिकल में, और एक हॉरिजॉन्टल में। तो आपको इक्वेशन बनानी है, एक इसके वर्टिकल में बनानी है और एक इसके हॉरिजॉन्टल में बनानी है। तो वर्टिकल के अंदर इक्वेशन क्या बनेगी, क्या ये एंगल अल्फा होगा? वही इंक्लाइन प्लेन वाला सेम कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको यहाँ नहीं रखते, यहाँ रख देते हो तो ये अल्फा ही होगा। तो अगर ये अल्फा होगा तो एक वेक्टर यहाँ पर क्या होगा, एम जी इंटू साइन ऑफ अल्फा, और यहाँ पर एम जी इंटू कॉस ऑफ अल्फा। ठीक है, एम जी इंटू साइन अल्फा, एम जी इंटू कॉस अल्फा, और टेंशन के कॉम्पोनेंट्स होंगे इसमें टी के, क्योंकि स्ट्रिंग में क्या आ जाएगी, टेंशन टी आ जाएगी। अब क्योंकि मैंने डायग्राम थोड़ा सा यार बाद में मॉडिफाई किया ना, तो ये अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि 90 है, एक्चुअली बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये क्या होने चाहिए थे, थीटा। तो डायग्राम को थोड़ा सा मुझे मॉडिफाई करना पड़ेगा यार, ये सही नहीं है क्योंकि एंगल बिल्कुल ही 90 बन गया मेरे से। तो इसमें या तो इस लाइन को थोड़ा सा टेढ़ा कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। इस लाइन को हम ऐसे स्ट्रेट बना लेते हैं, एम जी कॉस अल्फा, और कुछ इस तरीके से। तो ये अगर एंगल थीटा है तो टेंशन के, क्योंकि नॉर्मली मैं ये बनाना चाहता हूँ कि अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ पर भी एंगल मुझे थीटा ढूंढना है, यहाँ पर भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से एंगल आएगा, और टेंशन के क्या हो जाएंगे, दो कॉम्पोनेंट्स हो जाएंगे। तो मैं टेंशन के कॉम्पोनेंट्स ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो एक कॉम्पोनेंट हॉरिजॉन्टल आएगा टेंशन का टी इस तरफ, और एक कैसे आएगा, वर्टिकल आएगा। एक टेंशन की वैल्यू जाएगी वो हॉरिजॉन्टल आएगी और एक वर्टिकल आएगी, मतलब कुछ इस तरीके से। तो इसको थीटा ले लें, क्या एंगल थीटा सही है? ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल हो गए थीटा एंड थीटा, दो पैरेलल लाइंस हैं, इसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो टी इंटू कॉस थीटा और टी इंटू साइन थीटा, तो टी कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई, एम जी इंटू कॉस अल्फा, इक्वेशन नंबर वन, और टी साइन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम इंटू ए नॉट प्लस एम जी इंटू साइन ऑफ अल्फा।
टू इक्वेशन को वन से अगर डिवाइड करें तो टैन थीटा की वैल्यू आ जाएगी एम ए नॉट प्लस एम जी इंटू साइन अल्फा डिवाइडेड बाई एम जी इंटू कॉस अल्फा. तो एम 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 क्या हो जाएगा, कैंसल. तो आपके पास कुछ ऐसा ऑप्शन आ रहा है, तो डी ऑप्शन ऐसा आ जाएगा. ठीक है, तो बेसिकली जब भी स्ट्रिंग टेढ़ी लटकती है ना, टेंशन के कॉम्पोनेंट्स बनते हैं, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा. बस इसमें एक एक्स्ट्रा कॉम्पोनेंट बन रहा है और वो क्या है, एम इंटू ए नॉट, सूडो फोर्स भी लग रही है. बाकी नॉर्मल क्वेश्चन तो वैसे ही है. देखो इसमें एक वेट का कॉम्पोनेंट है, एक इसमें टेंशन का कॉम्पोनेंट है और एक सूडो फोर्स है, तीन फोर्सेस है. उसके बाद इक्विलिब्रियम मेंटेन कर दिया, इक्विलिब्रियम से आंसर आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है, 3F/13M है, बी ऑप्शन है. सेकंड का लंबा है, नॉर्मल रिएक्शन ही लिया होगा आपने, नहीं लिया ना तभी नहीं कर रहा हूं. मेरे को एक चीज पता है, यहां पर टेंशन कितनी होगी, टी, यहां पर और यहां पर 2T और यहां पर 2T. ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम जब ए का बनेगा ना, तो एफ माइनस 2T इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ए. ठीक, और बी का फ्री बॉडी डायग्राम जब बनेगा ना, तो बोलो क्या बनेगा, राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ, 3T, 2T और T, 3T, 3T इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ बी. अब अगर आप मुझे ए और बी की एक्सेलरेशन का रिलेशन बता दो ना, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बस इतना सा काम है. बात समझ में आ रहा है यहां तक, आपको बस मुझे रिलेशन बताना है, दोनों की एक्सेलरेशन का क्या रिलेशन है. अच्छा ठीक है, प्रूव करो, 3 times एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू 2 times एक्सेलरेशन ऑफ ए. अगर ये कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर है. आ गया आंसर, आ गया, बोलो कितना, यहां पर ए बाई टू, ए बी या ए ए की फॉर्म में बोलो. ऐसा करें, इसमें ए बी ले लें, इसकी एक्सेलरेशन ए बी, इसकी एक्सेलरेशन ए बी, ये ए बी, तो ये कितनी, ए बी बाई टू. यहां पर एक्सेलरेशन हाफ हो जाती है ना, यानी कि अगर यहां की एक्सेलरेशन ए ऑफ बी लिखते हो, तो यहां पर ए ऑफ बी लिखते हो, तो यहां पर ए ऑफ बी डिवाइडेड बाई टू. ठीक, तो अब मेरे ख्याल से कुछ बना सकते हो.
नहीं, इसमें ये सही नहीं बोला आपने, ये सही नहीं बोला, इसको ऐसे बोलना चाहिए क्योंकि ये स्ट्रिंग तो डायरेक्टली इसके साथ अटैच्ड है ना, तो ये a बाई टू कैसे हो सकती है? उल्टा ये तो डायरेक्टली फिक्स्ड है ना, तो इसकी एक्सेलेरेशन भी a ऑफ b ही होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि फिक्स्ड है, दोनों खींच नहीं है विद सेम, कोई पुली तो बीच में है नहीं, पुली तो यहाँ पर आ रही है, रादर मुझे यहाँ बोलना चाहिए टू टाइम्स a ऑफ b, हाँ ऐसे होना चाहिए, यहाँ से ए बी से स्टार्ट करता हुआ यहाँ मुझे ट्वाइस करना चाहिए टू टाइम्स ए बी, क्योंकि ये देखो ये स्ट्रिंग अटैच्ड है, ये स्ट्रिंग अटैच, अब ये तो है नहीं ना कि ब्लॉक ये तेज मूव करेगा, ये तो रिजिड बॉडी है यार, ये तो इकट्ठी मूव करेगी जैसी करेगी, और ये इकट्ठी मूव करेगी, इसके हर पॉइंट विल मूव विद सेम एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर ए बी, ए बी तो ये टू ए बी, अब यहाँ पर कितनी है टू ए बी, यहाँ पर कितनी है ए बी, तो यहाँ पर एवरेज आउट कर दें, मूविंग पुली है, मूविंग पुली में बोलो यहाँ पर कितनी हो जाएगी ए बी प्लस टू ए बी बाई टू, जो किसके इक्वल हो जाएगी ए ऑफ ए के इक्वल, एक्चुअल में तो फिर ये ए आ गया ना, तो a ऑफ a की एक्सेलेरेशन इज ए बी प्लस टू इंटू ए बी डिवाइडेड बाई टू, ये समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो इन पूरे ये पूरी रिजिड बॉडी की एक्सेलेरेशन ए बी, तो ए बी ए बी, अगर ये ए बी तो यहाँ पर एक्सेलेरेशन डबल, यहाँ डबल, यहाँ ए बी, तो यहाँ पर एवरेज, तो एवरेज करके देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, थ्री ए बी बाई टू इज इक्वल टू ए ए, थ्री ए ए इज इक्वल टू टू टाइम्स, या थ्री ऑफ ए बी इज इक्वल टू टू टाइम्स ए ए, उसके बाद क्या रह गया, कुछ भी नहीं निकालना क्या है इसमें, किसकी एक्सेलेरेशन निकालनी है ए बी की, तो ए ऑफ ए की एक्सेलेरेशन लिख लो थ्री बाई टू टाइम्स ए बी, ए ऑफ ए की जगह पुट कर दो, ए बी की फॉर्म में क्वेश्चन आ जाएगी, इसको इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, चेक करो ए बी कितना आ रहा है, मूविंग पुली है ना, अभी क्या इतने सारे क्वेश्चन, मूविंग पुली में यहाँ की एक्सेलेरेशन इन दोनों की एक्सेलेरेशन का हाफ एवरेज हो जाता है, पहली असाइनमेंट यही तो थी, ठीक है यहां तक, हाँ जी ठीक है ना, यहां तक नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट थर्ड का, सेकंड का तो हाँ बी पार्ट है, एक्चुअली टेढ़ा है ना ब्लॉक, मोशन हॉरिजॉन्टल है, रिएक्शन टेढ़ा है, तो लगाना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो समझ में आ जाएगा।